सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं रिले का कनेक्शन किस तरह किया जाता है रिले में एनओ एन एंड सी की वर्किंग किस तरह होती है हम किसी भी रिले में इंटरलॉकिंग किस तरह की जाती है आज के स्टूडियो में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं आज के स्टूडियो में जस्ट नॉर्मली हम जो इंटरलॉकिंग होती है मेनली हम इंटरलॉकिंग सीखने वाले हैं किसी भी रिले में इंटरलॉकिंग किस तरह की जाती है बट जो बिगिनर्स है उनके लिए पहले हम समझ लेते हैं इंटरलॉकिंग होती क्या है क्या होता है जब भी हमारे पास कोई भी दो डिवाइस होती है दो कॉन्टेक्टर या दो रिले या जो भी हमारे पास दो डिवाइस होती है और हम चाहते हैं हमारी कोई भी एट ए टाइम एक ही डिवाइस रन करे दैट मीन एट ए टाइम या तो हमारा ये रिले रन करे या ये वाला रिले रन करे यदि हमारे पास दो कॉन्ट्रेक्टर है तो एट ए टाइम एक कॉन्ट्रेक्टर रन करे और दूसरे टाइम दूसरा कॉन्ट्रेक्टर रन करे दैट मीन्स जहां पर भी हम चाहते हैं एट ए टाइम हमारा एक ही कोई भी कंपोनेंट रन करे वहां पे हमें इंटरलॉकिंग करना होती है तो इंटरलॉकिंग कॉन्ट्रेक्टर में तो हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में कर लेते हैं बट रिले में किस तरह की जाती है जस्ट हम समझ लेते हैं क्योंकि क्या होता है जब आप कंट्रोलिंग करते हैं तो आपको रिले में से भी कई बार कंट्रोलिंग करना होती है तो इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो आज के हम यही सीखने वाले हैं रिले से इसकी इंटरलॉकिंग किस तरह की जाती है दैट मीन्स एट ए टाइम हमारा या तो ये वाला रिले ऑपरेट होगा या ये, ये वाला रिले ऑपरेट होगा इसके लिए हमने ये पुश बटन यूज करेंगे इसके लिए ये पुश बटन यूज करेंगे और यदि हम दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो कोई भी रिले ऑपरेट नहीं होगा दैट मीन्स एट ए टाइम हमारा कोई भी एक रिले ऑपरेट होगा तो इसके इंटरलॉकिंग किस तरह की जाएगी वह हम समझ लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे 11 पिन का रिले यूज कर रहे हैं 11 पिन 220 ट्वेंटी वोल्ट के यूज कर रहे हैं रिले बेसिकली 8 पिन के होते हैं 11 पिन के होते हैं 14 पिन के होते हैं 14 पिन के होते हैं इसके अलावा देखा जाए तो 220 पे वर्क करते हैं चौबीस वोल्ट पे वर्क करते हैं हम टू ट्वेंटी वोल्ट एसी के रिले में जो कि ग्यारह पिन के है हमारे पास दो रिले है दोनों ही टू वोल्ट एसी के है और ग्यारह पिन के है तो इसमें इंटरलॉकिंग किस तरह की जाएगी समझ लेते हैं जस्ट बेसिक वीडियो है आपके पास कोई भी वीडियो आप उसमें इंटरलॉकिंग कर सकते हैं क्योंकि हमने जब इसमें सेंसर से रिवर्स फॉरवर्ड ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड बनाया था तो क्या हुआ था हमने इसमें इंटरलॉकिंग करना हुई थी तो इसमें काफी कंफ्यूजन हुआ था व्यूवर्स को इसलिए हम इसका बेसिक एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं तो चलिए हम शॉर्ट में इसके रिले की वर्किंग समझ लेते हैं ये हमारे पास ग्यारह पिन का एक रिले है इसमें टर्मिनल्स किस तरह हो गई ये इसका रिले का बेस है ये इसका टॉप है हम इसकी वर्किंग समझ लेते तो, तो क्या होता है जो रिले होता है हमारे पास ग्यारह पिन का जो रिले है उसमें टू और टेन नंबर दैट मीन टू एंड टेन नंबर जो पॉइंट है ये इस रिले की कोईल है इसके ऊपर डायग्राम दिया गया है इसलिए हमने यहां पे बनाया है टू और टेन नंबर क्या है रिले की कोयल है दैट मीन्स जब टू और टेन नंबर में 220 ट्वेंटी वोल्टेज आएगा दैट मीनस टू ट्वेंटी का रिले है जब इसमें 220 टू ट्वेंटी फेज और न्यूट्रल जाएगा तो हमारा ये रिले ऑपरेट होगा यदि 24 वोल्ट का हो तो 24 वोल्ट जाएगा तो ऑपरेट होगा इसके अलावा देखा जाए तो इले वन डेट मीन क्या है ग्यारह पिन है तो इसे थ्री सी और रिले कहते हैं दैट इसमें थ्री कॉमन थ्री एनओ और थ्री एनसी पॉइंट होते हैं तो वन नंबर एक कॉमन पॉइंट है इलेवन नंबर एक कॉमन पॉइंट है इसके अलावा देखा जाए तो फाइव नंबर एक कॉमन पॉइंट है चलिए पहला हम इसकी वर्किंग समझते क्या है वन एक कॉमन पॉइंट है वन के साथ देखा जाए वन के साथ फोर नंबर जो है वन के साथ फोर नंबर क्या है एनसी है स जब हमारा रिले ऑफ कंडीशन में रहेगा यहाँ थोड़ा समझने वाला है एनसी और एनो की वर्किंग क्या है यदि आपको यह समझ में आगा आसानी से कंट्रोलिंग कर सकते हैं जब हमारा रिले ऑफ कंडीशन में रहेगा तो वन की सप्लाई फोर से निकलेगी जब हमारा रिले ऑपरेट होगा दैट मीन जब इसमें फेजो न्यूट्रल जाएगा तो वन की सप्लाई थ्री से निकलेगी जो कि एनो से निकलेगी दैट मीन्स जब रिले ऑफ कंडीशन में रहेगा तो वन की सप्लाई फोर से निकलेगी जब रिले ऑपरेट होगा तो वन की सप्लाई थ्री से एनो से निकलेगी इसी तरह इलेवन से देखा जाए तो इलेवन के साथ एट नंबर क्या है एनसी पॉइंट दैट जब रिले ऑफ रहेगा तो इलेवन की सप्लाई एट से निकलेगी जैसे ही रिले ऑपरेट होगा दैट मीनस जब रिले में सप्लाई जाएगी टू ट्वेंटी ऑपरेट होगा तो इलेवन की जो सप्लाई है वो नाइन से निकलेगी जो कि इसके साथ क्या है एनो पॉइंट है इसी तरह फाइव नंबर क्या है कॉमन पॉइंट है फाइव जब ऑफ रहेगा फाइव के साथ सिक्स क्या है एन पॉइंट है मीन जब रिले ऑफ रहेगा तो फाइव की सप्लाई सिक्स से निकलेगी और जैसे ही रिले ऑपरेट होगा जब इसमें टू ट्वेंटी जाएगा तो फाइव की सप्लाई सेवन से, से निकलेगी तो ये जस्ट रिले का जस्ट बेसिक था यदि आप इंडस्ट्री में वर्क करते तो आपको इतनी बेसिक पता होना चाहिए चलिए अब हम इसकी इंटरलॉकिंग हम सीख लेते हैं चलिए रिले में हम इंटरलॉकिंग किस तरह करेंगे पहले हम ये सीख लेते हैं सबसे पहले क्या करना होता है हमें रिले को सबसे पहले फेज फेजो न्यूट्रल देना होगा और क्या है ये पुश बटन प्रेस कर तो हमारा यह रिले ऑपरेट होना चाहिए और यह पुश बटन प्रेस कर तो हमारा यह रिले ऑपरेट होना चाहिए इसे हम पहले फिट कर लेते हैं और कंट्रोलिंग आगे समझने से पहले क्या करना होगा हम दोनों ही जो रिले है दोनों में न्यूट्रल पहले हम टेन नंबर में कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि न्यूट्रल उसे डायरेक्ट मिलेगा फेज हम इस पुश बटन से होते हुए किस तरह लेगे वो हम समझ लेंगे पहले हम दोनों रिले में न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं तो चलिए हमने क्या किया है दोनों रिले के जो टेन नंबर पॉइंट है टेन और टू में हमें सप्लाई देना है तो टेन नंबर में दोनों में अभी हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है ये न्यूट्रल कंट्रोल एमसीबी से लिया पहले रिले में दिया और यह दूसरे रिले में हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है दैट मीनस न्यूट्रल डायरेक्टली पहुंच चुका है अब हमें क्या करना है फेस की वायरिंग करना है तो फेस की वायरिंग हम किस तरह करेंगे सबसे पहले स्टॉप पुश बटन में देंगे स्टॉप पुश बटन में क्यों देंगे ताकि हम यहां से हमारी जो कंट्रोलिंग उसे स्टॉप कर सके स्टॉप करना हो तो बेसिकली रिवर्स फॉर्ड स्टार्टर की जो वर्किंग होती है वो इसी तरह होती है इसकी जो वायरिंग की जाती है जस्ट हमें इसमें इंटरलॉकिंग करना होती है जो कि काफी इंपोर्टेंट होता है यदि आप इंडस्ट्री में आगे काम करते हैं तो आपको रिले से भी इंटरलॉकिंग कई बार करना होती है तो इसलिए आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि रिले से इंटरलॉकिंग किस तरह की जा सकती है चलिए एनसी का जो आउटपुट होगा उस एनसी के आउटपुट से हम क्या करेंगे दो वायर कनेक्ट करेंगे एक इसके लिए और एक पहले रिले के लिए एक दूसरे रिले के लिए तो यहाँ पे हम अभी दो वायर ट्विस्ट करके यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं और दोनों को अलग अलग एनो बटन में हम जोड़ लेंगे चलिए पहला वायर यहाँ पे जोड़ा हम देख लेते हैं पहला वायर हम इसमें जोड़ लेते हैं क्योंकि यहां पे कंटिन्यू सप्लाई आती रहेगी अभी हमें इसमें होल्ड डाउन भी कनेक्ट करना है होल्ड डाउन किस तरह देगी कि वो भी हम समझेंगे चलिए पहले रिले में हो गया पहले एनो पुश बटन में हो गया अब हम दूसरे एनो पुश बटन में भी एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं चलिए अब इसके आगे की वायरिंग हम समझ लेते हैं अभी हमने क्या किया एनसी के आउटपुट से दोनों एनो के इनकमिंग में हमने सप्लाई कनेक्ट की है चलिए अब आती है मेन बात इंटरलॉकिंग की हमें क्या करना है जैसे ही हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करें तो ये जैसे ही इन पुष्ट बटन को प्रेस करते हैं इसको इस रिले ने ऑपरेट होना चाहिए जैसे इसे प्रेस करते तो इस रिले ने ऑपरेट होना चाहिए बट हमें उससे पहले क्या करना होगा इंटरलॉकिंग करना होगा इंटरलॉकिंग किस तरह करना होगी समझ लेते हैं चलिए हमें क्या करना है जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस करें तो इस रिले ने ऑपरेट होना चाहिए तो हम क्या करेंगे इस रिले को ऑपरेट करने से पहले इसकी कोयल में सप्लाई देने से पहले जो हमारा दूसरे वाला रिले है उसके कॉमन में हम यहाँ सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं तो इसका कॉमन पॉइंट कौन सा है देखा जाए तो वन और इलेवन दो कॉमन पॉइंट है यह क्यों किया है हम यह भी समझेंगे पहले हम यहां पे कॉमन में कोई भी एक कॉमन में हम इसे कनेक्ट कर देते हैं तो चलिए इसे अभी हमने यहां पे कनेक्ट किया है अभी इसकी वर्किंग क्या होगी यह हम समझ लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है तो हमें क्या करना है कॉमन में आपने सप्लाई दी है अभी हमने क्या सीखा था जब रिले ऑफ कंडीशन में रहेगा तो जो कॉमन की सप्लाई वो एनसी से निकलेगी और जब रिले ऑपरेट होगा तो कॉमन की सप्लाई एनओ से निकलेगी तो हमें ऑफ कंडीशन में वर्किंग करना है दैट मीन्स यह रिले जब ऑफ रहे तब यह ऑपरेट होना चाहिए तो हम क्या करेंगे इसका एनसी पॉइंट यूज करे क्यों क्योंकि जब हमारा यह वाला रिले ऑफ रहेगा तो ही यह ऑन होगा दैट मीन्स हमें जस्ट इंटरलॉकिंग करना है एट ए टाइम हमारा एक ही रिले ऑपरेट हो तो क्या वर्किंग रहेगी जब हमने इसके एनसी से इसलिए लिया है क्योंकि जब हमारा यह रिले ऑफ रहेगा तो ही कॉमन की सप्लाई एनसी से पास होगी और हमारे इस रिले की कोयल में सप्लाई आएगी और हमारा यह रिले ऑपरेट होगा अब जब हमारा यह रिले ऑपरेट होगा जब यह रिले ऑपरेट होगा तो यह क्या होगा एनो बना हुआ होगा अब जब हम इसे ऑपरेट करेंगे तो यह ऑपरेट नहीं होगा जस्ट इंटरलॉकिंग का मेन फंक्शन यही होता है जब भी हम किसी भी चीज में इंटरलॉकिंग कर रहे हो तो जो चीज को ऑपरेट करना है उसे दूसरे रिले के या दूसरे कॉन्ट्रेक्टर के एनसी से निकाल कर करते हैं ताकि एट ए टाइम हमारी एक ही कोई भी कंपोनेंट ऑन रहे तो आप क्या होगा जैसे ही हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा यह रिले ऑपरेट होगा इसके एनसी से होता हुआ अभी हमने इसमें होल्ड डाउन कनेक्ट नहीं किया है जितनी देर हम पुश बटन प्रेस करेंगे उतनी ही देर ऑपरेट होगा इसलिए इसी तरह इसके भी कर लेते हैं फिर हम इसमें होल्ड डाउन किस तरह देगी यह समझ लेंगे चलिए इसके एनो में पहले हम एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं तब हम इसे जब हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे इस रिले ने ऑपरेट होना चाहिए बट क्या किस तरह कंडीशन रहेगी इंटरलॉकिंग के लिए दूसरे रिले के कोई भी एक एनसी पॉइंट को हमें यूज करना होगा क्या करना होगा ये जो सप्लाई है जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे तो यह कहा जाना चाहिए दूसरे रिले के कॉमन पॉइंट में पहले हम इसे कॉमन में जोड़ लेते हैं आप कनेक्शन को अच्छे से फुल टाइट कीजिए कहीं पर भी कोई लूजिंग नहीं होना चाहिए तो चलिए कॉमन में दे दिया अब क्या करना होगा हमें इसका एनसी पॉइंट यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे इसके एनसी में एक वायर पहले कनेक्ट कर तो इसके एनसी पॉइंट में हमने एक वायर कनेक्ट कर लिया है कॉमन में दिया और इसे एनसी से निकाला है दैट मीन जब यह रिले ऑफ रहेगा तब कॉमन की सप्लाई कहां से निकलेगी एनसी से निकलेगी और हमें इसे इस ले जाकर कहा देना है इस रिले की कॉल में तो जब यह रिले ऑफ रहेगा तब जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये रिले जब ऑफ रहेगा तभी यह ऑन होगा अदरवाइज यदि यह ऑन है तब हम इसे प्रेस करते तो ये ऑन नहीं होगा यही इंटरलॉकिंग की मेन खासियत है एट ए टाइम हमारा कोई भी एक रिले ऑपरेट होगा इसे हम प्रैक्टिकली अभी करके भी देख लेते हैं जस्ट अभी हमने होल्ड डाउन नहीं दिया है तो हमारे इंटरलॉकिंग की वायरिंग तो कंप्लीट हो गई है एट ए टाइम हमारा कोई भी एक रिले ऑपरेट होगा कोई भी दो रिले एट ए टाइम ऑपरेट नहीं हो सकते बट अभी कंडीशन क्या है जितनी देर हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे सपोज इसको प्रेस किया तो ये रिले ऑपरेट हुआ इसको प्रेस किया तो ये रिले ऑपरेट हुआ बट कितने देर तक जितनी देर तक हमें पुश बटन को प्रेस किया है अभी हमें इसे परमानेंट ऑपरेट करने के लिए होल्ड डाउन भी देना होगा तो होल्ड डाउन के लिए हमें इसका एक और कॉमन और एनो पॉइंट यूज करना होगा नॉर्मली हमने होल्ड डाउन रिले में किस तरह दिया जाता जा है उसके ऊपर वीडियो बनाया था चलिए कॉन्ट्रेक्टर से समझते हैं कॉन्ट्रेक्टर में क्या करना होता है इसकी कॉइल में हमें टू वोल्ट देना होता है इसमें होल्डिंग के लिए क्या करना होता है यहाँ जैसे सपोज हमने यहाँ पे फेस दिया यहाँ से कॉमन में एक लोपी से सप्लाई कनेक्ट करना होती है और एनसी के आउटपुट से या एनओ के इनपुट से हम एक वायर लेके यहाँ पे एनओ में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा रिले होल्ड हो जाता है तो इसी तरह हम क्या करेंगे दोनों रिले में क्या करेंगे जैसे कोयल में सप्लाई हमारी यहाँ पे आ गई तो यहाँ से इसके कॉमन में जिस तरह देते हैं दोनों कॉमन पॉइंट हम कौन सा यूज करेंगे वन नंबर का कॉमन पॉइंट यूज करेंगे टू की सप्लाई वन में अभी हम दोनों रिले में कनेक्ट कर देते हैं जस्ट एक एक लूपिंग एक एक वायर की कनेक्ट कर लेते हैं तो चलिए अभी हमने दोनों रिले में क्या किया है तो चलिए दोनों लूपिंग हमने अभी कॉमन में कनेक्ट कर ली है अभी हमने कॉमन पॉइंट कौन सा यूज किया है वन नंबर का पॉइंट यूज किया है तो होल्ड डाउन के लिए हमें क्या करना होता है कॉन्ट्रेक्टर में हमें जस्ट इसका एनो यूज करना होता है तो वन के साथ एनो पॉइंट कौन सा है ताकि हमारा कॉन्ट्रेक्टर क्या हो जस्ट एक बार रिले जब भी ऑपरेट हो तो उसके एनओ से से होल्ड होल्डाउन मिल सके तो हमें क्या करना है वन के साथ थ्री नंबर क्या है एनओ है जिस तरह हमने देखा था तब तो हम होल्ड होल्डाउन किस तरह देंगे यह समझ लेते हैं हम होल्ड होल्डाउन नॉर्मली कहां से देते हैं एनसी के आउटपुट से या एनओ के इनपुट से तो हम कोई भी एनओ के इनपुट से दे सकते थे हम यह वाला एनओ यूज कर रहे हैं होल्ड होल्डाउन देने के लिए क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पे सप्लाई आती रहती है चलिए हमने यह वाला एनओ यूज किया है अब हमें क्या करना है जो वन नंबर कॉमन है उसका एनो पॉइंट यूज करना है ताकि जैसे ही एक बार रिले हमारा ऑपरेट हो तो उससे होल्डाउन परमानेंट मिल सके तो हमें क्या करना होगा इस रिले में भी होल्ड डाउन देना है वन के साथ थ्री एनो है और इस रिले में भी वन के साथ थ्री एनो है तो यहाँ पे पहले हम एक वायर कनेक्ट करते हैं और चूंकि इसमें भी देना है इसके लिए हम एक लूपिंग ले लेते हैं तो हम इसे जोड़ लेते हैं क्योंकि दोनों रिलो में हमें होल्ड होल्डाउन प्रोवाइड करना है चलिए इसे यहाँ पे जोड़ लिया अब इसे कनेक्ट कर ले चलिए इसे हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो क्या होगा ये पहले रिले को होल्ड ऑन मिल गया है जस्ट जस्ट जैसे ही हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे हमारा रिले परमानेंट होल्ड हो जाएगा इसी तरह हमें दूसरे रिले में भी होल्ड डाउन देना है तो इसे हम दूसरे रिले में भी पहले कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारा दोनों रिले में अभी होल्ड डाउन कनेक्ट हो गया है जस्ट हमारे रिले में होल्ड डाउन भी हो गया है और इंटरलॉकिंग भी हो गई है अब एट ए टाइम हमारा एक ही रिले ऑपरेट होगा चलिए किस तरह इसकी वर्किंग है पहले हम वर्किंग समझ लेते हैं तो चलिए इसकी वर्किंग हम समझ लेते हैं कनेक्शन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट है काफी सिंपल जस्ट हमने क्या किया है जैसे इसे प्रेस करेंगे तो इसके एनसी से हमने इसको ऑपरेट किया है जैसे इसे प्रेस करेंगे तो इसके एनसी से इसे ऑपरेट किया है और हमने क्या किया है होल्ड डाउन दे दिया जस्ट इंटरलॉकिंग और होल्ड डाउन दोनों किया है चलिए इसकी वर्किंग हम समझ लेते हैं क्या क्या जैसे ही हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा यह रिले ने ऑपरेट होना चाहिए देखिए ये रिले हमारा ऑपरेट हो गया अब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये ऑपरेट नहीं होगा एट ए टाइम एक ही रिले ऑपरेट होगा यदि हमें इसे प्रेस करना है तो इससे पहले ऑफ करना होगा ऑफ कर दिया अब यह ऑन होगा देखिए ये ऑन हो गया अब जब इसे हम इसे प्रेस करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा पहले हमें इसे स्टॉप करना होगा देखिए आप देख सकते हैं एट ए टाइम हमारा कोई भी एक रिले ही ऑपरेट हो रहा है जस्ट इसी तरह इसकी इंटरलॉकिंग की जाती है एट ए टाइम कोई भी एक रिले ऑपरेट होगा तो इस तरह की वायरिंग आपको जनरली जब आप सेंसर से किसी भी कंपोनेंट को चलाते हैं या कोई भी इंटरलॉकिंग करते हैं तो आपको इस तरह की इंटरलॉकिंग की रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मली तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करें और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स so आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स